यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, ये देखो पीछे, ये हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग श्रीनगर में आए। वाओ, दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं नदी पॉइंट। और क्योंकि हम थोड़ा सा ऑफ सीजन में आए हैं, रेनी सीजन है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और इतना मज़ा आ रहा है घूमने के लिए। और हमने टैक्सी को बुला लिया, टैक्सी वाला भी आ गया और आज वो हमें पूरा धर्मशाला में क्लॉटगंज घुमाने वाले हैं, सारे पॉइंट्स करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम नदी पॉइंट्स, देखते हैं किस तरह का है और क्या है वहाँ पर, आपको भी दिखाते हैं। और रास्ते का जो व्यू है वो देखिए आप, कितना मज़ा आ रहा है। फोगी, कभी धूप, कभी छाँव, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। चलिए एंजॉय करिए हमारे साथ धर्मशाला। और हम ब्रेकफास्ट करके निकले हैं 10 बजे अपने होटल से। और धर्मशाला और मैक्लोडगंज में बहुत बड़ा हिल स्टेशन नहीं है, छोटा सा है। तो हम आज में ही सारा कवर करने की कोशिश करेंगे और जो रह जाएगा वो कल करेंगे। और मौसम देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है, भीड़ है कम तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और इतना पीसफुल ये जगह है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इन्जॉय करते रहिए हमारे साथ और हम बस पहुँचने ही वाले हैं अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पर। इन्जॉय विद अस। हम लोग नदी पॉइंट और ये हमारे होटल से हमें लगा आधा घंटा और ये बहुत ही मस्त जगह है। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया व्यू है। यहाँ से हम जाएंगे उधर नदी पॉइंट करने के लिए, चलते हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत ही मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा फोग हो गया चारों तरफ। हम नदी पॉइंट, ये देखो ये सबसे जो है ना हाईएस्ट पॉइंट है धर्मशाला का। ये देखो ये सारे फोग के बादल इतने सुंदर लग रहे हैं। और वो कह रहे थे अगर बादल नहीं होते ना तो पीछे पूरा हमें बर्फ का पहाड़ दिखाई देता, वो देखो। और ये लिखा है आई लव नदी, भाई क्या सही लग रहा है। ये देखो आप पहले व्यू देखो, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये देखो थोड़े थोड़े टाइम में बादल के वो बदल रहे हैं, ये पूरी रोड है जहाँ से हम लोग आए अभी, उधर से इधर से होते हुए ऊपर आ गए हैं। ये देखो मजेदार व्यू। और धीरे धीरे जो है ना ये बादल देखो ये हट रहे हैं और पीछे से हम उम्मीद में है कि शायद वो हमें पहाड़ दिख जाए, वो वाला माउंटेन बर्फ वाला। लेकिन क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है भाई साहब, मस्त लग रहा है। वो देखो और वो नीचे, वो देखो वो नदी जा रही है, वो देखो है ना। और इधर भी पूरा आगे तक जा सकते हो आप लोग, बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, ये देखो पीछे बहुत ही प्यारा व्यू है। तो यहाँ पर आना चाहिए आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हाईएस्ट पॉइंट है धर्मशाला का या मैक्लोडगंज कहीं का भी कह सकते हैं, सबसे ऊंची जगह है ये नदी। बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखो पूरी वैली और ऊपर पहाड़, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर छोटा सा मार्केट भी देखने को मिल जाएगा, आपको सुवेनियर वगैरह आप ले सकते हैं। मेडिटेशन बाउल, ये बढ़ता जाएगा ऐसे ना साउंड और वाइब्रेशन। कितने का बताया ये आपने? ये तो वैसे 800। ठीक लगा लो। नाइस। और फिर हमने कराया यहाँ पर बढ़िया सा फ़ोटोशूट, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग हैं सनसेट और सनराइज़ के लिए आते हैं, लेकिन अभी बादल थे तो हमारा वो मिस हो गया। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डल लेक पे। नाम से आपको लगेगा कि कश्मीर में है पर नहीं, ये है मैक्लोडगंज में, मैक्लोडगंज की डल लेक। तो चलते हैं यहाँ पर। और बहुत ही प्यारे से रास्तों से होते हुए अमेजिंग व्यूज़ लेते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं डल लेक।
ये हम आ चुके हैं मैक्लोडगंज, डल लेक ऑफ मैक्लोडगंज। ये देखो, देखने से आपको लगेगा हम श्रीनगर में हैं, लेकिन नहीं, हम हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। कितना सुंदर सीन है, देखो यार व्यू देखो आप। और आपको बता दें कि इस झील का जो इतना सुंदर व्यू है, लेकिन उतना ही इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका पानी जो है वो रनिंग वाटर नहीं है, और ये पॉन्ड टाइप है। और ये देखिए, इसमें काफ़ी फिशेज आपको देखने के मिल जाएंगी, लेकिन इसके नीचे जो है मार्श है, यानी दलदल है, तो कभी भी इसके अंदर जाने की कोशिश ना करें, वो हार्मफुल हो सकता है। और ये वार्निंग भी सामने लिखी हुई है, तो आप इसके व्यू का मज़ा लें और अपनी सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और इसमें इसीलिए बोटिंग वगैरह नहीं की जाती। और इसके सामने ही दो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, ये देखिए। ये जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, इसको एक्सप्लोर करते हैं, और खूबसूरत बहुत है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है कि जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं, उसकी सफाई का स्पेशली ध्यान रखें। और व्यू देखें, व्यू देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आ गए हम, ये देखो क्या सही लग रहा है। यहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो, एक अलग ही फील आता है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, आधा पौना घंटा। ये देखिए पूरे बेंचेस बने हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पूरा राउंड ले सकते हैं इस तरह। ये देखो बहुत अच्छी सी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है नेचर के बीच में, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, अमेजिंग जगह है ये, लेक ऑफ मैक्लोडगंज। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे, देखते हैं कौन सा व्यू पॉइंट है। तो चलिए हमारे साथ, पे सामने एक चिंतपूर्णी टेम्पल है डल लेक का, तो वो चलते हैं वहाँ देखने, अच्छा लग रहा है ऊपर एकदम पहाड़ों में। और ये पीछे है दुर्गेश्वर टेम्पल, आइए दर्शन करते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ से पीछे पूरी, ये शूज स्टैंड है। ये है शिवलिंग, छोटा सा मंदिर है। ये है नंदी, मंदिर छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा है। ये देखो, तो यहाँ कर लिए दर्शन, और अब चलते हैं किसी अपने दूसरे व्यू पे, व्यू पॉइंट पे देखने के लिए। यहाँ व्यू देख सकते हैं आप, अभी अभी बिल्कुल क्लियर था, और अब ये देखिए कितने बादल आ गए हैं नीचे बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा व्यू है ये देखिए, तो आनंद लीजिए इस व्यू का। बादल अभी अभी कुछ भी नहीं था, और अब देखो क्या मौसम एकदम ही बदल गया, असली फील आ रहा है मैं पहाड़ों का। चर्च में सेंट जॉन चर्च, तो चलते हैं हम।
सेंट जॉन चर्च को 1852 में बनाया गया था, और जब 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था धर्मशाला में, तब ये जो चर्च है वो इसमें ख़राब हो गया था, यानी टूट गया था। तो इसको दोबारा से 1915 में दोबारा रीबिल्ट किया गया, और इस तरह से तब से ये बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर है, और लोग इसमें अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो व्यू है ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में ये इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊँ। तो आइए अंदर चलते हैं, और यहाँ पर शूज़ बाहर निकालने और फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाएंगे अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह का चर्च बना हुआ है अंदर, और अंदर जाके जो शांति मिलती है, जो इतनी स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर आके। और ये देख सकते हैं यहाँ पर किसी का प्रोफेशनल शूट चल रहा है। थोड़ी देर अंदर हमने किया मेडिटेशन, और इतना अच्छा फील हो रहा है। और ये देखिए चारों तरफ का व्यू देखिए आप, इतना खूबसूरत है, बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में ये बना हुआ है, और इसकी खूबसूरती देख सकते हैं कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये इब्राहिम था एक लड़का जो फरीदकोट से है, उनका एक ऑफिशियल सॉन्ग आ रहा था, बहुत ही प्यारी आवाज थी, तो उनका शूट चल रहा है यहाँ पर। छोटा सा लड़का है मेरे ख्याल से 15 इयर्स केवल, और इतनी अच्छी आवाज़ थी उसकी। ये देखिए पीछे से आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छा था। आगे का सफ़र जारी रखते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और वो है मैक्लोडगंज मार्केट, जो यहाँ से 9 किलोमीटर्स है धर्मशाला से। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर है क्या खास। जो रेस्टोरेंट है ना मैक्लोडगंज का, जहाँ सारे क्रिकेटर और सब आते हैं, वो ये वाला है रेस्टोरेंट, वहाँ आ गए। तो ये आ गए हैं हम मैक्लो रेस्टोरेंट में, जो है मैक्लोडगंज मार्केट में कॉर्नर पे, और ये देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल है, और इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। और ये हमारे सभी स्पोर्ट्स पर्सन और जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं उनके लिए ये फेमस प्लेस है, और उनका फेवरेट प्लेस भी है। और ये देख सकते हैं इसमें ऊपर भी बना हुआ है इस तरह से, और जगह जगह आपको हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ लगी हैं जगह जगह, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर वो लोग आकर एंजॉय करते हैं अपने मैचेस के बाद। तो इस तरह से देख सकते हैं यहां पर सामने आपको बार दिख जाएगा, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ पूरा वुडवर्क है, देखिए सीलिंग देख सकते हैं कितनी कलरफुल है। और ये विंडो से आपको ये देखिए मैक्लोडगंज मार्केट नज़र आएगा, और ये सामने है मैक्लो, इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी कलरफुल है। और देख सकते हैं आप क्यों ये हमारे स्टार्स स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका फेवरेट है। ये देखिए सबकी फ़ोटोज़ लगी हैं यहाँ पर। और ये सब एंजॉय कर रहे हैं, और हमने ऑर्डर किया है सूप और कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं हमारी भी। सूप एंड शुभ्रा हाउ इट इज, अच्छा लग रहा है, पीना चाहिए इस समय ठंडे मौसम में, क्रीमी टमाटो सूप। एक्सपीरियंस खाना बहुत बढ़िया था, और रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया, और हमारे सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी
फेवरेट प्लेस है ये, मैक्लो रेस्टोरेंट। खाया पिया और अब हम नीचे मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। इस तरह का मार्केट है ये, देखिए काफी आर्टिस्टिक चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर मार्केटों में भी मंदिर बने हैं, तो उन मंदिर के बाहर आपको इस तरह के पिलर मिल जाएंगे पीतल के, इनको घुमाने से कहते हैं लाखों मंत्रों के जाप का पुण्य मिलता है। ये है मैक्लोडगंज का मार्केट जो काफी खूबसूरत है। अच्छा, ये अच्छी चीज है। बारिश हो गई और हमने ले लिया एक छाता, एक कलर, ये देखो पीछे मल्टी कलर छाता। और बारिश में भी ये मार्केट इतना बढ़िया लग रहा है, मार्केट बड़ा स्टैंडर्ड है भाई, है ना शुभ्रा? हाँ, शॉपिंग के लिए अच्छा स्टॉप है, बहुत मज़ा आता है। साउंड और मार्केट जहाँ ख़त्म होता है उसके लेफ्ट साइड में ये है मंदिर, दलाई लामा का टेम्पल, इसको देखते हैं। और यहाँ पर शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेनोवेशन का। और थोड़ा सा आगे जाने पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़े और स्टोर्स मिल जाएंगे, काफ़ी आर्टिस्टिक चीज़ों के यहाँ पर स्टोर हैं। और ये देखिए इस तरह से लोमा कैफ़े, काफ़ी आर्टिस्टिक कैफ़े भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है ये। और अब हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर में, ये देखिए टेंपल में, यहीं पर उनका पैलेस भी है। मंदिर जो है वो सेकंड फ्लोर पे, ये देखो। और ये सीलिंग देखो, बारिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये देखो क्या मस्त बनाया है। टेंपल दूसरी मंजिल पे, चलो भाई। और ये मौसम ऐसा मज़ेदार हो गया है, हाँ, ये देखो क्या सही लग रहा है ना, मज़ेदार। ये हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ से है मंदिर, और इधर से आप व्यू देख सकते हैं पूरा वैली का, क्या मज़ेदार लग रहा है। और इतनी शांति है यहाँ पर, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, इतना सफाई, इतना नीट एंड क्लीन और स्पिरिचुअलिटी की वाइब जैसी आ रही है और एकदम शांति है, बहुत ही पीसफुल है। और ये आ गया है मंदिर का एंट्री गेट, यहाँ पर शूज उतारेंगे बाहर और फिर चलते हैं अंदर। और ये हम एंटर हो गए हैं मंदिर में, और देखिए कितनी खूबसूरती से डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर, काफ़ी कलरफुल रहते हैं इनके मंदिर और नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा और बहुत ही पीसफुल। और इसमें गोल्ड जो होता है, गोल्ड कलर का काफ़ी यहाँ पर काम किया होता है ये देखिए, और काफ़ी जो ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं इनके, जो भी भगवान बनते हैं या जहाँ भी इनकी मूर्तियाँ होती हैं उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल कलर यूज़ किए गए हैं, ब्राइट एकदम, ये देखिए रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, तो काफ़ी कलरफुल सा यहाँ पर पेंट रहते हैं। ये देखिए ये पूरा मंदिर दिखाते हैं आपको।
और मंदिर देखने के बाद यहाँ पर परिक्रमा करनी होती है इस तरह से मंदिर के चारों तरफ, जैसा कि हमारे मंदिरों में भी होता है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना कमाल का लग रहा है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वही है रोपवे जिससे हम मैक्लोडगंज से धर्मशाला जा सकते हैं और धर्मशाला से मैक्लोडगंज जा सकते हैं। ये देखिए, और 10 मिनट का रोपवे होता है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही। ये देखो ये ना इस तरह से यहाँ पर ये जा रही है ट्रॉली रोपवे। यहाँ पर इतना अच्छा सा माहौल है, एकदम शांति, इतना प्यारा लग रहा है, साफ सुथरा एकदम, इतना सुंदर, इतनी फील आ रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुंदर है टेम्पल। दिल तो है जैसे यहाँ पर 2-3 घंटे आप बैठ के गुजारे, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ज़रूर देखना चाहिए। और ये देखिए, ये है वो मणि चक्र जो मैंने आपको बताया था, इसमें लाखों की संख्या में मंत्र जो हैं वो अंदर भरे हुए हैं, तो इसको एक बार घुमाने से आपको लाखों मंत्रों के जाप का पुण्य मिलता है। इस तरह से भारी होते हैं, थोड़े जोर लगता है एकदम आपको घुमाने में। और मंदिर के एंट्री गेट पे ही आपको इस तरह से स्पिरिचुअल बुक्स की शॉप मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आप किसी भी तरह की किसी भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बुक्स खरीद सकते हैं। ये देखिए, और ये आ गए हैं हम धर्मशाला स्काईवे। तो ये टाटा एंटरप्राइजेस के द्वारा मैनेज की जाती है और ये इसका एंट्री बनाया हुआ है। एंट्री बहुत ही खूबसूरत है। अंदर चलते हैं और टिकट देखते हैं कि क्या रहता है यहाँ पर सिस्टम। तो ये सामने से रोपवे का रास्ता है और हम जा रहे हैं, और ये जो रोपवे है स्काईवे जो है धर्मशाला का, ये टाटा के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसलिए जो भी इसकी एंट्री बहुत कमाल की है और ना भी मैनेजमेंट है वो तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होने वाला है टाटा का निर्माण। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ रोपवे के लिए तो आप टाइम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर कई बार वेटिंग होता है, आधा आधा घंटे का भी वेटिंग होता है। तो आज हमें आधे घंटे का वेटिंग है, तो हमने सोचा कि हमें और भी चीज़ें देखी है स्टेडियम वगैरह, तो आज हमने ड्रॉप करते हैं ये आइडिया और हम कल आएंगे नीचे से धर्मशाला से मैक्लोडगंज बाय स्काईवे और फिर नीचे जाएंगे वापस मार्केट वगैरह घूम के। तो ये आइडिया अच्छा रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापस टैक्सी में और हम अपने स्टेडियम वगैरह देखते हैं और कल दोबारा से आएंगे। और इसका जो टिकट है, वन वे है 480 और टू वे है 700, तो मुझे लगता है टू वे लेना चाहिए दोनों तरफ का, और वो 3 दिन के लिए वैलिड रहता है। 3 दिन के लिए आप एक बार आ सकते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर आ सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी सी सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर। तो अब चलते हैं अपने टैक्सी में, अपना स्टेडियम वगैरह देखते हैं और फिर कल आएँगे दोबारा से। ये है टी गार्डन यहाँ का, हिमालयन ब्रू का, इनकी आउटलेट है, यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। ये हम आ गए हैं हिमालयन ब्रू टी गार्डन है यहाँ पर, ये धर्मशाला में है। तो हमारे होटल से हमें 10 मिनट लगे नीचे आने में, यहाँ पर आ सकते हैं आप, इनका आउटलेट भी है, ये देखिए इधर आप इससे खरीद भी सकते हैं टी। तो अच्छी जगह है, आप इंजॉय करिए। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप की टीज़ मिल जाएंगी, बहुत ही अलग अलग तरह की हैं। देखिए, कैमोमाइल टी, कश्मीरी कहवा टी और एप्पल टी, इस तरह की टी हैं जो हिमालयन ब्रू वाली टी काफ़ी सारी मिल जाएंगी, वो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ बनवा भी सकते हैं, और हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, तो मैंगो का पल्प डालते हैं इसमें। अच्छा, ये बनवाई है मैंने मैंगो मिंट आइसक्रीम टी, एक बनवाया मैंगो शेक। कैसा है? ये थोड़ा अजीब सा है।
क्वाइट टेस्टी है, मैंगो मिंट ग्रीन टी, और इसमें शुगर नहीं है, केवल इसमें हनी डाला है, बहुत टेस्टी है, अमेजिंग। कुछ हमने टी खरीदी और कुछ टेस्ट की, उसके बाद हम आगे निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ। हम मेन अट्रैक्शन ऑफ धर्मशाला HPC है, यानी कि यहाँ का जो स्टेडियम है बहुत ही सुंदर है, और अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है और टिकट के बाद फिर अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको। ये HPCA स्टेडियम का एंट्री गेट, और ये है सामने टिकट काउंटर। टिकट जो है वो 30 रुपीज़ है पर एडल्ट, और 9 to 5 इसका टाइम है, विजिटिंग आवर्स हैं। और क्या क्या चीज़ें ले जानी प्रोहिबिटेड है उसकी सारी लिस्ट आपको सामने दिख जाएगी गेट पे। और इस स्टेडियम को 2003 में बनाया गया था, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका, पहाड़ों से घिरा हुआ है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ये स्टेडियम। और धर्मशाला में, धर्मशाला वैसे भी फेमस है क्योंकि वो दलाई लामा की वजह से काफ़ी फेमस सिटी है। और ये देख सकते हैं कितना कलरफुल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है और ब्यूटीफुल स्टेडियम की कैटेगरी में आता है हमेशा। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसका मैप बना हुआ है, मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या सिचुएटेड है। और यहाँ पर सभी लेवल के मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के भी। और इस तरह से ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टेडियम बना हुआ है। अंदर जाके ये पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है, और ये हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए स्टेडियम कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो सामने मेन पवेलियम है, और यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखिए, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चारों तरफ का बहुत ही कलरफुल है, ब्लू येलो रेड ग्रीन, काफ़ी सुंदर है। ये देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, अच्छा बनाया हुआ है वैसे स्टेडियम, अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी अच्छी जगह पे बना हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। और इसका जो साइज़ है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे, अगर आप मतलब मैच देखेंगे तो काफ़ी क्लियर आपको सारे अपने प्लेयर्स नज़र आने वाले हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है देखने में। इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 23,000 लोगों की, तो काफ़ी अच्छा, और कलरफुल सीट्स लगाए हुए हैं इन्होंने। और अगर मौसम थोड़ा खुला होता तो आपको पीछे से, इसके पीछे पूरे पहाड़ नज़र आते हैं, हिमालय रेंज नज़र आती है पूरी बर्फ़ से ढकी हुई। इस समय थोड़ा फोग है तो नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत ही अच्छी जगह पे बना हुआ है और दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से आता है। और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है स्टेट वॉर मेमोरियल, जो कचहरी रोड पे है धर्मशाला में, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, सुना है, देखते हैं, चलिए ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। और ये हम पहुंच गए हैं स्टेट वॉर मेमोरियल में, और इसका जो टिकट है वो है 20 रुपीज़, और इसके टाइमिंग है 10 to 5। ये देखिए, और ये है स्टेट वॉर मेमोरियल। और बहुत ही सुंदर बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और सामने जो है हमारे जो इंडिया का पूरा मैप है उसको स्टेट वाइज डिवाइड करके दिखाया गया है कहाँ पे कौन सा स्टेट है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके साथ जो ब्लैक कलर की 3 कर्व वॉल दिख रही है, उसमें सारे जितने भी हमारे सोल्जर ने अपने जान दिए उनके नाम मेंशन है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर स्टेट वॉर मेमोरियल में, और ये इतना खूबसूरत बना हुआ है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, वो हमारा मैप है इंडिया का, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर घूमते हैं, और इसका टिकट जो है वो केवल 20 रुपीज़ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखते हैं इसको एंजॉय करते हैं। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, सफाई देखो, फ्लावर्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर है ना, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर जितनी भी बैटल्स हुई हैं उसके बारे में बताया गया है, और ये हमारा जो फाइटर प्लेन है वो दिखाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है।
यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर सारे नाम मेंशन हैं जो जितने सोल्जर्स ने हमारे लिए जान दी है, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर जानना चाहिए। बहुत अच्छी से बनाया गया है वॉर मेमोरियल, तो अगर आप आए धर्मशाला तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही प्यारी जगह। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और ये इधर ना पीछे यहाँ पर इधर वो ऑडियो और वीडियो कैसेट भी चलती है, सीडी चलती है, मतलब वो भी आप देख सकते हैं, उसका 10 रुपये का टिकट है। तो वो हम कल आएंगे क्योंकि अब 5 बजे वो बंद हो चुका है, तो उसमें सारी वॉर्स के बारे में आपको सारा बताया जाता है, तो वो भी आपको सुनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए। तो मुझे तो बहुत शौक है इन चीज़ों का, कल आएँगे और सुनेंगे, फिर आपको भी दिखाते हैं। ये हम अब आ गए हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन आज का, जो है ज्ञातू मोनेस्ट्री। बहुत सुंदर सी मोनेस्ट्री है, देखते हैं इसको और फिर दिखाते हैं आपको भी। और धर्मशाला में बहुत सारी मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर लग रही है, देखो मेरे पीछे बहुत प्यारी लग रही है। चलिए अंदर चलते हैं, ये रेजिडेंस है उनका सबका, और ये देखो, और ये सामने मोनेस्ट्री है, वो देखो कितनी सुंदर लग रही है भाई। और सारी जितनी भी मोनेस्ट्री आप देखोगे उसमें रेड और मैरून और येलो कलर की होती है हमेशा। ये देखो पीछे भी उनके रेजिडेंस बने हैं, इधर भी और सामने मोनेस्ट्री, यही देखो बहुत ही खूबसूरत है। ये ज्ञातू मोनेस्ट्री है और ये धर्मशाला से 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आने में, और इसका जो टाइम है वो 6:30 से 7:30 बजे शाम तक का है देखने के लिए, और सर्दियों में 7:30 से 5:30 बजे तक शाम को। बहुत अच्छी जगह है और आपको जगह जगह लिखा हुआ दिख जाएगा, कीप साइलेंस, एकदम शांति बनाए रखें यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर है और मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है, एकदम रिलैक्सिंग, एकदम पीसफुल वाइब्स, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीढ़ियों में ना यहाँ पर इस तरह से कार्विंग कर देते हैं हर जगह, मैंने देखा है यहाँ पर, तो उससे क्या है कि आपको फिसलन नहीं होता, तो ये अच्छा लगा मुझे, देखो है ना। एंड हेयर इज द शू रैक, प्लीज लीव योर शूज हेयर। और दिस इज़ द मेन गेट ऑफ टेम्पल मोनेस्ट्री, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको येलो और मरून कलर का एक कॉम्बिनेशन दिखेगा, और आपने हमेशा जितने भी लामाज हैं उनके क्लोथ्स में भी हमेशा देखा होगा कि मरून और येलो कलर ही होता है। ये देखिए सारे में वही कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, और इस मोनेस्ट्री में भी देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल जो भगवान की जो डिज़ाइनिंग है और जो भी ऑर्नामेंट्स हैं वो काफ़ी कलरफुल हैं, बड़े ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। और हमने जो पहले मंदिर देखा था वो भी, और ये भी मोनेस्ट्री, इसमें सब में भगवान के आगे इस तरह के वाटर का जो है बाउल्स रखे होते हैं, इसका मतलब ये है कि पहले जो उन्होंने नेचुरल चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं उसको हम पहले उन्हें अर्पित करते हैं और उसके बाद हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो रोज़ ये पानी रखा जाता है और फिर रोज़ चेंज किया जाता है इस तरह से। यहाँ से देखो आप पूरा मोनेस्ट्री, देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये रेजिडेंस है उनके उधर सामने, और ये इनके हॉल रूम है जहाँ फंक्शन होते हैं, और दिस इज द टेंपल, ये देखो और हमने जो फुल डे टैक्सी लिया है उसका हमें पड़ा है 2800 रुपये फुल डे, और हमने ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस कवर कर लिए हैं। हम जा रहे हैं अब वापस, हमारे काफ़ी कुछ स्पॉट्स जो हैं वो हो गए कंप्लीट, जो रह गए हैं वो कल करेंगे, और मिलेंगे आपसे कल, बाय, टेक केयर।